शक्ल देखने वाली है। मान थोड़ी नीचे कर थोड़ी सी भाई, गाड़ी आराम से चलाएं, लेट चले जाएंगे, अगली फ्लाइट पकड़ लेंगे। तो कितनी देर में आ जाती दूसरी फ्लाइट? घंटे घंटे बाद जाना चलती है फ्लाइट, घंटे घंटे बाद। ठोकर तो धर्मपुरे नहीं जाना भाई। भट साहब आ जाओ, डॉक्टर साहब इधर आओ, तुम प्रोटोकॉल भाई। एक गड्डी पीछे जाए, एक तड़े अगे, एक सेंटर च, एक पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी है। नहीं नहीं सरकार, स्क्वाड पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी है, वो अंदर नहीं आती, एयरपोर्ट के अंदर नहीं आती है। सारा प्रोटोकॉल आपके लिए और मम्मा के लिए। ऐसी है मम्मा जी, ब्रांड लेना दोनों ही। अच्छा जी, ये स्टेज है और ये वाला कल ग्राउंड होगा, जहां पर कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह रजय फैमिली अपना जलवा दिखाएगी। और मेरी बात सुन ले कराची वाले जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। बट साहब नीचे क्यों बैठे हुए हो यार? ये मुझे तंग कर रहे हैं यार। आप तंग कर रहे हो बाबा को? हैं? ओए सॉरी, अच्छा सॉरी जान, जान तू तो लड़न नू पहननी है, की हो गई? ले ले ले, तू मेरे तो बड़ा बदमाश है। अच्छा इधर देखो, आई एम श्योरी। अच्छा जी, उम्मीद है आप सब ख्याल करने से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मम्मा जी जान मास इतने पई है, मम्मा कितने गए? मेरे ते फुल तपे हुए, फुल ऑन मेरे ऊपर तपे हुए हैं। लेकिन पहले ये बताओ कि मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से हैं? अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, आपके रजब को अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है। चलते हैं अंदर, आपको जाकर दिखाता हूँ मम्मा का मूड तपा क्यों हुआ है। इस टाइम 2:30 बज रहे हैं। हाँ 2:30 बज रहे हैं। और एक सीन हो गया, एक कांड हो गया मुझसे, अभी पता लगेगा, देखना जरा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हो गया, कैसे हो? तेरे सारे काम बेटे ऐसे, तू ऐसे नके पे आकर बता देता, तेरी माँ बड़ी जवान है, वो सारे काम जल्दी भी कर लेगी। वो क्या हुआ आज? मुझे की फ्राइडे 2:30 बजे मुझे बताना, मैं पैकिंग करूँ, मेरी नमाज भी है, बड़ी जुमा मेरे माल करे, तेरा को काम है करने वाला। भजन सीन ऐसे है कि मेरी जो टिकट्स है ना, वो सुबह की आई हुई थी, जैद ने सुबह की टिकट्स भेजी हुई थी, मैंने देखी नहीं, मैं सुता समझो 1:30 बजे सुता उठा, दस्ती भाग के गया, जुमा पढ़ के आया, आया तो देखा टिकट्स 5 बजे की टिकट्स। मम्मा को मैंने बताया, मैं कहा मम्मा जी 5 बजे की टिकट। अब देखो ना, कसम से बाबा कह रहे हैं मुझे नहीं जाना, मैंने शाहबाग जाना, उनकी तैयारी करूँ, तुम्हारी करूँ, अपनी करूँ, जो कोई बात है। अच्छा, 5 बजे फ्लाइट, 2:30 बजे बता रहे, देखो 4 बजे पहुंचना भी है। ओ यार लाहौर एयरपोर्ट है, 5:45 भी पहुंच जाऊंगा ना, तो मेरी भी बजे जा, टेंशन ना ले। छोड़ दे, क्या छोड़ू? तू लेजी पुना छोड़ दे अपना। यार मम्मा मेरी बात सुनो, मैं रात को 5 बजे आया हूँ, थोड़ी देर आंख भी ना लगाऊं, मैं सोऊं भी ना तो मैं जाऊंगा कैसे, मैं काम कैसे करूंगा? आप जमजम सोते मुझे बता, जमजम जो आप सोते मुझे बता देते। नहीं, जम सोते मतलब क्या? यानी कि खैर से सो, खैर अच्छा। बता दे मम्मा जितने बजे की है, तुम्हें पता जुम्मा तेरी माँ ने माल करने तो जैद ने सुबह टिकट सेंड किया, जिस टाइम उसने सेंड की तब मैं सो रहा था, जब मैं उठा उस टाइम जुम्मे का टाइम हुआ था, मैं भाग के जुम्मा पढ़ के आया, मैंने व्लॉग भी नहीं किया जुम्मे का, तो ठीक है अब अल्लाह खैर करे कबूल हो जाए, मैंने व्लॉग नहीं किया और लोग मान लें कि हाँ भी मैंने जुम्मा पढ़ा, मरना ही नहीं, मैंने कहना भाई तू नहीं पढ़ा। नहीं नहीं, तू अब उमरा कर क्या, झूठ तो नहीं बोलता है। हाँ ये बात तो है। अच्छा जी, अम्मा ने आपको बता तो दिया है, अब मैं भी आपको रिपीट कर देता हूँ, हमारी कराची की फ्लाइट है जी 5 बजे की। कल मैंने डिसाइड किया था कि 4 बजे वाली करा दो, लेकिन फिर मैंने जैद को रात को कहा कि यार 5 बजे वाली करा दो, मैं 4 बजे आना मुश्किल हो जाएगा, 3 बजे मैं कैसे पहुंचूंगा। खैर अभी सीन ऐसा है कि इसको फेंकना है इसके घर, इसको नोशी के घर फेंक के आना है, ये वहां रहेगी, ये मेरे साथ नहीं जाएगी, ये बड़ी बदतमीज बच्ची है। मैंने मार भी दिया, ये लो मैंने मार भी दिया। आई लव यू, बोलो आई लव यू। हाँ जो ये कह रही है ना वही है, ठीक है। अच्छा पापा जी मेरी बात सुनो, अब आप जा रहे हो, वापसी कब की आपकी? जब आओगे तो मैं भी आ जाऊंगा। या आप पूरी उर्दू बोलिया करो या आप पूरी पंजाबी बोलिया करो। इतवार को आप घर आ जाना, मंडे वाले दिन इंशाल्लाह हम भी घर होंगे, क्योंकि हमारा संडे को मीटअप है। अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि सैटरडे नहीं सॉरी संडे, फोन किंदा आ गया है, जरूर मेरे किसी दोस्त का होगा, पक्की गल देखना। शाहजी भाई एक मिनट, हेलो शाहजी भाई मैं व्लॉग कर रहा हूँ, 5 मिनट दें, कॉल बैक करता हूँ जी। बोले जी भाई, नहीं अभी वन वे आई है, रिटर्न का हमारा कंफर्म नहीं है, हम सबकी रिटर्न इकट्ठी ही होगी, आपकी अकेले की थोड़ी होगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दफा हो जाएं। अच्छा जी सीन ऐसे है कि संडे वाले दिन, सैटरडे नहीं संडे वाले दिन, मैंने कल वाले व्लॉग में बताया था, अगर आपने कल वाला व्लॉग नहीं देखा तो मैं आपको कहता हूँ कि जाके पहला व्लॉग देख लो, देख लो यार ये लगा होगा, जाके कल वाला व्लॉग देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि संडे है। नहीं भाई कल वाला, कल वाला समझ जाओ बात को, इतना मैं बच्चा नहीं हूँ।
मैं मता ना दिया करो, समय लगी जाना। क्या कहा मैंने भला? समझ जाओ, समझे ना ही समझे। अच्छा जी, अगर कल ब्लॉग देखा हुआ तो वैलेंट गुड नहीं देखा हुआ तो जाके देख लो, हमारा मीटअप है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो जैद ने प्रॉमिस किया था कि गवर्नर हाउस के अंदर वो मीटअप करवाएगा तो वो मीटअप करवा रहा है, क्योंकि रजा फैमिली ने उसको बहुत प्यारा रिस्पॉन्स दिया था उसके चैनल पे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ 5 लैपटॉप 5 बाइक्स मैं और जैद मिलके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कट बता देता हूं कि 5 लैपटॉप और 5 बाइक्स के अंदर गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं है, ताड़े टैक्सा का 1 रुपया नहीं गा। ठीक है, मैं जितने जगह हूं मैं कर रहा हूं, और जैद का रेवेन्यू जितना यूट्यूब से आया हुआ था मैंने खुद देखा हुआ है, जितना यूट्यूब से रेवेन्यू आया हुआ था जितने जगह मैं हूं मैंने डाल के हमने 5 बाइक्स और 5 लैपटॉप गिव अवे का अनाउंसमेंट किया है कल वाले व्लॉग में, जो कि आपको वहां पर फौरन फौरन अम्मा और जैद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब टाइम हो रहा है जी 2:45 का, अभी मैंने सारे दोस्तों को पिक करना है, उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचना है, बोर्डिंग करवानी है, चेकिंग करवाना है, निकलते हैं। हरियप हाल में कपड़े नहीं पैक किए, मम्मा ने अपने कपड़े पैक कर लिए, मेरे नहीं किए, निकल लगे जा रही है। गवर्नर हाउस से निकल बाद फिर आगे ना तो गवर्नर साहब ने फैर मार देना, मनु मैं बता रहा हूँ असलम का पकड़ो, मिठे का, रोजी का, रुबाब का, इरम का, ठीक है, और ए सैयदादी जान को सजा ने घर दिता है, उन्होंने बाजी जिन्होंने घर में फोन सुन नहीं सी जान दे दिमाग, उन्होंने आ एक फालतू रखा जे इरम रुबाब किस तरह जे लो जी, ये सारा ददयाल का तबरक आ गया, तस्वीर भी भेज दो, भाभियों की तस्वीरें भेज दो, अच्छा वो आप लोग को जाके, ठीक है ओके डन 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 ओके जी, पैकिंग शैकिंग हो गई है। अच्छा बट साहब मेरी बात सुनो, आपने जाने से पहले 2-3 काम करके जाना है, ठीक है। पेंट वाले भाई आ रहे हैं, पेंट वाले भाई का काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमने ये दरवाजे जो है ये चेंज करवाई है, क्योंकि लॉक सही से बंद नहीं हो रहे थे। उसके अलावा ये जो है ना ये लॉक ये भी पेंट होने हैं, ये पेंट होना है। उसके अलावा बट साहब बात सुनो, अवैस आप भी आओ बच्चे बात सुन लो, अरे सो गई मम्मा जी, सो गई है सो गई है, 5 मिनट लगते हैं इसको सोने में, ये देख रहे हो, क्योंकि इस एसी की जो ड्रेन है वो अभी बाहर नहीं आई थी, मतलब सही से बाहर गई नहीं थी, तो पानी यहाँ पर गिरा था, गर्मी तो बर्दाश्त हो नहीं रही थी, हमने एसी चला दिया, पानी यहाँ गिरता रहा, ये देख रहे हो इतना इतना हिस्सा ये अभी आएगा वो पेंट कर रहा है, ठीक है, ये पेंट करेगा दरवाजों के सारे लॉक पेंट करेगा, ये हिस्से गोले पेंट करेगा, ठीक है, पैसे सारा कुछ मैंने उसको सेंड कर दिया होगा, आपने सिर्फ काम करवाना है, काम करवा के सलमान अपने घर चला जाएगा, अब ऐसा अपने घर चला जाएगा, आप चाची की तरफ चल जाना, तबरक वगैरह दे देना, संडे की रात को मीटअप है और मंडे की सुबह इंशाल्लाह वापस आ जाऊंगा मैं, तब तक आप भी आ जाना, ओके अल्लाह हाफिज, तभी डालो बाय बाय, ओके यार वैस बाय बाय अल्लाह हाफिज, ओके सलमान अल्लाह हाफिज, चलो जाओ चल भाई। चलो जी पैकिंग शॉपिंग अपनी हो गई, सामान सामू रख दिया, आ जा भाई खुल जा, सिम सिम बंद हो जा, सिम सिम जल्दी हो जा, सिम सिम मिंट ला, सिम सिम ओके, सिम सिम जल्दी, सिम सिम ओके, सिम सिम जल्दी, सिम सिम ओके, जल्दी सिम ओके, चल भाई चल, थैंक यू अल्लाह हाफिज, ओके ख्याल रखी घर का, काम देख लो मम्मा जी अपने काम देख लो, आप ट्रैवल करने लगे विदाउट पासपोर्ट, ये लो पकड़ो, ओके यार अल्लाह हाफिज, बचो बाय अल्लाह हाफिज, नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, घर से निकल चुके हैं जी, मिनसा साहब सो गए हैं, मिनसा को रस्ते में उसके घर ड्रॉप करना है, लेकिन उससे पहले गजल की तरफ रुकते हैं, उसको मिल लेते हैं, उसको पता नहीं है अभी मैं जा रहा हूँ, उसको बता देते हैं कि मेरी 5 बजे की फ्लाइट है, उसके बाद आगे एयरपोर्ट का सफर स्टार्ट करते हैं, आज घर आज गाड़ी चल ही रही है क्योंकि मिनसा सो रही है, माजी को मिल लेते हैं, गजल को मिल लेते हैं, फिर निकलते हैं, दरवाजा भी खुला आइए भाई, चलो 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 चलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो सारे, तबीयतें ठीक है, मां जी जहाज से ना बैठा और खोती रेड़ी बह गया, देखो 3:15 हो गए ने, 3:30 हो गई, 5 बजे मेरी फ्लाइट है कराची की, नहीं नहीं मुझे सुबह की ज्यादा टिकटें सेंड की हुई है, मैं जुमा पढ़ने चला गया फिर सो गया, मैंने 2:30 बजे टिकटें देखी, 5 बजे टिकट, मैं कह लो मैं टाइम देखा, मैं नहीं मिलके जाऊँ काके, क्या हाल है, ठीक हो, आपका चेहरा बता रहा आप अभी सोए उठे हो, ऐसा ही है, नहीं 5 मिनट हो गए, नहीं मेरी फ्लाइट है, मैं निकल रहा हूँ, गाड़ी वापस भिजवा दूंगा, क्योंकि यार दो सारे मेरे साथ ही हैं, ठीक है, सब मेरे साथ हैं, संडे वाले दिन मीटअप है, तो 5 बाइकें 5 लैपटॉप आपका भाई और जैट सॉरी मिलके बांट रहे कराची में, तुम वहां पर कहीं पर आ जाना मजमे के अंदर, मैं तुम्हें एक लैपटॉप दे दूंगा, ठीक है, चुप करके घर ले आना और मुझे दे देना ना ला के, जेबी में डाल लेना कर दो ना, लैपटॉप आके माचा से क्या जेबी छुपा लांगा, बेच के आता था करे, ये तो बिजनेस है, दिस इज बिजनेस, ओके माँ जी अल्लाह, मैं तो मिलके जाऊंगा, भाई आएंगे बाबा आएंगे मेरा सलाम देना, ठीक है, इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मॉर्निंग वापसी, ठीक है, सो जा जा सो जा, 5 मिनट की ब्रेक ली थी तेरी नींद नहीं, जा सो जा, आप जा, अच्छा जी अच्छा जी, जाके कि
करेगी। हाँ सही है, मैंने आज नहीं था आप जा रहे हो हैं? तू कल भी किया था कि मैं आ रही हूँ, तू आई क्यों नहीं? क्योंकि मैंने रात को लेट व्लॉग इन किया था। अब मंडे को आऊंगा, फिर तुम आ जाना, फिर तुम मंडे को आना और मंडे की शाम को चली जाना, ठीक है? ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके ब्रो, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। मिंदा गाड़ी में ही है। ओके 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 ओके, चलो जी, चलो जी, चलो जी, आजो जान, आपका स्टॉप आ गया, आजो मेरी जान, आजो आजो आजो, भागके भागके भागके, हरिये हरिये हरिये, भागो भागो, बंद करो माया, पज 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 पज, चलो जी, चलिए यार। ओके जी, मिंसा को ड्रॉप कर दिया उसके घर, अब टाइम हो रहा है 4 बजे का और 5 बजे की फ्लाइट है, मेरे काम वे लो, सब दोस्तों को पिक करना है शहद की तरफ, सारे डेरा जमा के बैठे हैं, उनको उठाते हैं और भागते हैं एयरपोर्ट। चलो जी, मम्मा जी आप बैठो, 5 मिनट वेट करो, मिंसा को निकाल के लाया, ठीक है? अल्लाह करे पैकिंग हुई हो इनकी बस। अब यार भाई लोग खुदा का खौफ कर लो यार, अभी पेंट सीधी कर रहे हो यार तुम लोग, अभी पेंट सीधी कर रहे हो तेरी पैक भाई, ओ भाई सारा कुछ पैक है, परफ्यूम कर रहा, ससुराल जा रहे हो, इतनी पैकिंग क्यों लेके जा रहे हो? ये जो है ना इसके कपड़े हैं मेरे से, ये है। ये इसके कपड़े, कितना टाइम लगेगा? मान के जरा, मान के जरा, चलो यार अल्लाह की कसम बादशाह, दोस्त ने मेरे, मैंने पैकिंग भी कर ली, मिंसा को ड्रॉप कर दिया, 8-9 मिनट व्लॉग के शूट कर लिए, ये देखो 4:05 हो गए, आप लोग अभी पैकिंग नहीं हुई यार, चल 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 चल, हूं तू वापस नहीं आना, चल चल तू पे खड़ा हो जाएगा, चल जल्दी हरी अब, एक ही गाड़ी में जाना, सबने सब एक गाड़ी में जाएंगे, ठीक है? और स्मेल आ रही है, मैंने स्मेल तक जल्दी करो, हरी अब, मान कितने यार, उन फोन करो यार। अच्छा इस बंदे के पास ना पासपोर्ट है, ना इसके पास आईडी कार्ड है, इसकी टिकट जिस तरह मैंने बनवाई है ना मैं जानता हूँ, ठीक है? जबकि आपको जो आपने डोमेस्टिक आपने फ्लाइट लेनी है ना, आपने इन पाकिस्तान करना फ्लाइट की, और जिस तरह कंफर्म कराई है, ना पासपोर्ट ना आईडी कार्ड, आपने जब पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करना है पासपोर्ट जरूरी, इतना खास नहीं होता, लेकिन आईडी कार्ड तो मांगते हैं ना, ऐसे कोई कुछ भी नहीं कहा, मान दो करते कोल, ठीक है? सब तो लेट हो आ रहे हैं, 4:15 हो गए, होनी शर्ट पाई तू बेटा, होनी शर्ट पाई मोटे आ, चलो आजो आजो जल्दी करो, हरी 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 हरी, रख यार रख, जैंड यार जल्दी कर, हरी अप तमीज से बात कर, अब शर्ट हरी अप जल्दी कर, जल्दी कर मेरी जान, हरी हरी हरी, बस ठीक है, थोड़ी सी जगह है, मान का सामान आ देगा, बंद कर यार बंद कर, आ जा सिम सिम जल्दी कर, सिम सिम मिनट ला, सिम 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 बजे ढिली है साड़ी, यकीन करो बहुत स्लो है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, घर से निकल चुके हैं जी, मांडोगर साहब अभी नहीं आए, मांडोगर को अब ठोकर से भी करना पड़ेगा, कबूतरों के जालों से निकालना पड़ेगा इसको, कोई शर्म कोई हल्की जी हया होती बंदे फिर चला गया बाहर, मान ठोकर मान भाई तेन कोई शर्म हया नहीं है, कसम में खुदा दी माफी दे दे, जल्दी कर, क्या लेके आया बैग ही लेके आया, ये शॉपर लेके आया, बस शॉपर यार बैग ठीक है, मम्मा जी काम देख रहे हो, अल्लाह की कसम मेरा दिल कर रहा है तेन इतने छड़ जावा तेन, मैं यार बैग देखना है मेरा, यार बैग देखना है, बकवासी आदमी। ओके जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सबको पिक कर लिया, और सबसे ज्यादा जलील किया इस बंदे ने, इस गंजे ने सबसे ज्यादा दलील किया, बैग लभदा नहीं पिया, मैं कहा चलो उंजी चले जाइए, तेरे घर बैग ही नहीं गा यार, मैं पेकियां ने जाना सी बैग पांदा यार, जो गवर्नर हाउस जा रहे हैं तू, गवर्नर हाउस जा रहे हैं, गवर्नर हाउस ही जा रहे हैं मैं, कोई अक्ल नू हाथ मार, कोई अच्छा स्विफ्टी कटर बैग लेके आ नाल अपने, हमने को फेस वॉश कोई क्रीमे श्रीमे कोई सन ब्लॉक हर चीज रखनी होती है, तू गाची रखनी है, मसवाक रखनी है, तुर पैना मसवाक सुनने, अच्छा जी अब सिर्फ हमारे पास 45 मिनट रह गए और मेरा ख्याल है कोई 1 घंटा पहले चेक इन करना पड़ता है, ऐसे ही है, और हम आ गए शहर में, रिंग रोड से नहीं जा रहे, अगर मैं अपने घर से जाता तो मैं रिंग रोड से जाता, लेकिन मैंने इन सबको पिक किया, अब मुझे शहर से जाना पड़ेगा, अब ये हमारे लिए जो है ना मिस्ट्री है, देखो पहुंच पाते हैं या फ्लाइट मिस होती है कुछ पता नहीं है, और मैं आपको एक बात बता दूं, जब इस तरह की सिचुएशन होती है उस दिन फ्लाइट भी आपकी ऑन टाइम होती है, अदरवाइज आगे पीछे हो जाती है टाइम, ऊपर नीचे होता है, आज टाइम पे जाएगी, मान के मैंने जो सीन रिकॉर्ड कर लेना जब जहाज टेक ऑफ होना है, अच्छा जी आपसे मुलाकात होती है एयरपोर्ट पहुंच गया, क्योंकि अगर मैंने टाइम पे पहुंचना है तो मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी विंड डीजल की तरह, तो वो उसके लिए मुझे हाथ एक खाली करना पड़ेगा, अल्लाह हाफिज़ भाई, गाड़ी आराम से चलाएं, लेट चले जाएंगे, अगली फ्लाइट पकड़ लेंगे, कितनी देर में आ जाती दूसरी फ्लाइट, घंटे घंटे बाद जाना चलती है फ्लाइट, घंटे घंटे बाद ठोकर तो धर्मपुरी नहीं जाना भाई, रक्षे नहीं चल रहे बेटा, फ्लाइट है,
आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है वन एच, जहां पर आप अपनी मर्जी का स्पोर्ट्स देख सकते हैं, सिर्फ देख ही नहीं सकते, उसकी विनिंग प्रिडिक्शन देके अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। और ये चैनल बहुत सारे इजी मेथड्स को सपोर्ट करता है कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट के। तो जैसे आप सबको पता है कि आईपीएल चल रहा है, तो क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? अभी ज्वाइन करो इस प्लेटफॉर्म को और लाइव देखो केकेआर वर्सेस एसआरएच का मैच 26 ऑफ मई को। लिंक मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दिया है, जाओ खुद को रजिस्टर कर लो और मेरा प्रोमो कोड रज जब यूज करना नहीं भूलना, ताकि आपको 39,000 तक का बोनस मिल सके आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे। लो जी डिपार्चर आ गया और टाइम हो गया है जी 4:47, 13 मिनट रह गए जी जहाज उड़ने में, ये देख लो। चलो जी अभी सवाल ये है कि गाड़ी कहाँ जाएगी? हैदर हैदर जल्दी आ, कैसा तबीयत? ठीक है, गाड़ी ले जा और मेरी बात सुन, जो काम शाम है वो करवा के, काम शाम करवा के अपने गजलबाजी की घर गाड़ी दे देनी, ठीक है? ओके मेरी यार, अल्लाह हाफिज़। ओके ओके चलो चलो परे 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 परे। यार हैदर साहब मेरी गलती थी, कोई मेरी गलती थी, मैंने ठोकर से आपको एयरपोर्ट कितनी देर में पहुंचाया? 20 मिनट में, ऐसा ही है। अच्छा भाई जान, अब गलती ये हो गई हमसे कि हमें थोड़ा सा पहले निकलना चाहिए था, आधा घंटा पहले निकलते ना तो फ्लाइट मिल जानी थी, गलती हो गई, फ्लाइट मिस हो गई है। फ्लाइट हाँ आप हर दफा 15-20 मिनट पहले आते हो, आपके काम रेफरेंस से हो जाते हैं और ये अच्छी बात नहीं है, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन हुआ ताकि आप अपने टाइम पे आओ टाइम पे जाओ। नहीं रेफरेंस जवाब नहीं देगा भाई जान, रेफरेंस वाले ने काम क्या किया, उसे कहा कि भाई जान 6 के 6 बंदों के आप बोर्डिंग पास निकलवा के रखें, उसने सिर्फ एक बंदे का बोर्डिंग पास निकलवाया, वो इसका। ना इसके पास आईडी कार्ड, ना इसके पास पासपोर्ट, सबके पास आईडी कार्ड पासपोर्ट है लेकिन किसी का बोर्डिंग नहीं निकला, सिर्फ इसका बोर्डिंग निकला हुआ था, फिर हमने इसका भी कैंसिल करवा दिया, हमने कहा जी हम जाएंगे सब इकट्ठे जाएंगे। अभी आप क्या कह रहे थे? यार बट मुझे समझ नहीं लग रही, तो कह रहे हैं दुआ करो मान भाई यहाँ पे कोई फैन मिल जाए और हमें खाना खिला दे। तूने नहीं कहा रोटी खा के खुश खुश फिरदा जिवे सूर दी कमेटी निकल आई। यार ताड़ी शक्ला तो लग रहे हैं ताड़ी फ्लाइट मिस हुई है, मन दसो। अच्छा जी अभी सीन ऐसे है कि वी हैव नो आइडिया कि क्या होगा, कौन सी फ्लाइट अब मिलेगी, कितने बजे हम जाएंगे, जैसे ही कोई अपडेट मिलती है मैं आपको बताता हूँ। आ जाओ आ जाओ, ड्रामे ना करो, आ जाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह पढ़ ली, टाइम हो रहा है जी अब 8:05, हमें ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए हैं वेट करते हुए और हमें फ्लाइट मिल रही थी 8 बजे की, फ्लाइट जिना है ना, फ्लाइट जिना की फ्लाइट हमें 8 बजे की मिल रही थी, लेकिन उसके अंदर ये बंदा एडजस्ट नहीं हो रहा था, बैठा देखो कैसे हुआ। अच्छा जी सुपर स्टार की वहाँ पर टिकट नहीं बन रही थी, सिर्फ 5 बंदों की अवेलेबल थी और हम 5 की इकट्ठी थी, ठीक है, ऊपर से हमारे पास आईडी कार्ड और पासपोर्ट भी थे इसके पास, वो भी नहीं था, इसलिए हमने वो भी कैंसिल करवा के 10 बजे वाली एयर सियाल की फ्लाइट बुक करवाई, जिसके अंदर हम 6 के 6 इकट्ठे जा सकते हैं। अब बैठे हैं भाई की मेहरबानी, भाई ने VIP लॉन्ज में बैठाया हुआ, CIP के VIP जेड़ा भी है, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे यहाँ पे, 9:30 बजे जो है ना वो हमारी अब फ्लाइट का टाइम है, 9:55 है ना, 9:55 पे हमारी फ्लाइट का टाइम है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गाय। हाँ जी यार बट साहब मेरे को टाइम नहीं होता, तुम्हें पता ही। हाँ जी क्या कराची आ जाओ, तो मैं क्या चलो नहीं, तो मेरे फैंस आ रहे थे इस्लामाबाद। अच्छा मेरा उन्होंने डिनर सी। अच्छा सिर्फ मैं उन्होंने डिले करके ना ते ताड़े ना लाया, ताड़ी मेहरबानी, मैं तुम्हें नहीं कच्चे पेड़ा मारा एक बारी गवर्नर हाउस पहुँच लो, तो पुत्र तेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना। जी जी जो तुम्हें मैं डरा देना ना जी याद रखी, गवर्नर हाउस एक जिन खाना है, फ्लाइट का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जहाज़ का तू रेडी है बस दस ना तेन। अच्छा जी कोई आधा पौना घंटा वेट करते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधा फ्लाइट में। मान ठोटी नीचे कर थोड़ी सी। ओके ओके तस्वीर ना उत्ते कर लो, थले कर लो तो कहीं उत्ते कर लो, ऑपरेट कराने हैं, सबर कर जा। अच्छा जी डोगर साहब की वजह से आज हमें बसरा साहब मिले हैं, सरकार की हाल है ठीक हो? अद्धा एयरपोर्ट जोड़ा ना वो बसरा साहब अंडर आंदा, कभी कोई काम फंसा हो ना कोई ना कढ़ा सके, या ताहिर भाई या फिर बसरा साहब हैं जी है कि नहीं? अच्छा मन दसो वेखदे हो उन्होंने कि नहीं वेखदे? अज वेखिया जनाब, इन्हां दे वास्ते तो फ्लैट मिस हो गई,
इतना तेज तूफान आ रहा है, मुझे लग रहा है कि 10 बजे वाली जो फ्लाइट है वो भी कैंसिल हो जानी है। मनुसा डोगर साहब, डोगर साहब, डोगर साहब मैं अपना यार कोई भी छड़ के प्रोटोकॉल जो दिता ना बोतल शोतल केक शेक चल रहे डोगर साहब जो दिता सामने पहले कभी नहीं मिलिया सरकार यकीन कर डोगर साहब साढ़े भाई ने यार डोगर साहब साढ़े भाई ने हां जी हां जी मेहरबानी डॉक्टर साहब बसरा साहब मेहरबानी शुक्रिया चलो जी बेटा ये जहाज तक लेके जा रही है बस तुझे सीट बेल्ट लगा सीट बेल्ट लगा 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 ड्रामे ना कर लगा पूरी नहीं आ रही शहरी पीछे मुंह करके बैंड लगा ले कमर को लग सकती पेट को नहीं लग सकती मेरी बात सुन विंडो सीट भी है तुझे कैसा एक्सपीरियंस है बाटिक जरा आया यार डाली के डर लग रही है मैंने अपनी माँ को फोन कर लेंगे मैं कहना दुआ करना पाकिस्तान एयरलाइन पे चढ़े जाना कोई पता नहीं पाकिस्तान बेटा तुम्हें पता लगेगा टेक ऑफ हो लेंगे अच्छा अब मैं आपको बैड लक का लेवल बताता हूँ बैड लक का लेवल ये है कि जो हमारी फ्लाइट 5 बजे की थी उस पर हम लेट आए तो वो टाइम से पहले चली गई मतलब एग्जैक्ट 5 बजे चली गई अब ये हमारी फ्लाइट थी 9:55 की ठीक है 10:33 हो रहे हैं अब ये फ्लाइट जा रही है जिस फ्लाइट पे हम टाइम पे नहीं आए वो टाइम वो पहले चली गई जिस पे हम वेट कर रहे हैं वो लेट हो गई है वो पूरे टाइम पर चली गई है और ये इस पर हम वेट कर रहे थे और ये लेट हो गई जहाज हमारा टेक ऑफ के लिए रेडी है और पान की शक्ल देखने वाली है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह मैं डर लग रही यार देखो कुछ मैं करो तू करो वो कर पागल दे चुप कर चुप चलो चलने लगा चलने लगा मेरे दिल में खुश हो रही यार तो अब मैं करो पीछे पीछे ओए कर चुप कर चुप कर बाहर उतर वे उतर वे उतर वे उतर वे उतर वे चल हो गए अल्लाह पर अल्लाह अल्लाह मासले अल्लाह मोहम्मद वाले सर भी अल्लाह की कसम हम जान में लेते हैं चुप कर उठ गई उठ गई उठ गई बार वे बार वे बार वे बार वे अब बार वे बेवकूफ आदमी बार वे बार वे हम उसने अपने लंदे स्नैपचैट बना चुप करके भैया फ्लाइट नहीं रोक सकती चुप करके भैया कुछ नहीं होता तुम्हें फिर तुम ऑक्सीजन ले आके दे की हो रहा बंद हो रहे नहीं साहब हमें बंद हो रहा पागल है तू नहीं कुछ है नहीं नजर आ रही बंद हो रहे तेरा हार्ट अटैक आ गया कुछ नहीं है इजी यार मैं तुम जन्म दसा मेरे दिल दे विच नहीं तू वाड़या मैं बड़ गया की हो की रे कर लंदे या मेरे घर रात तक रा दे होया की है क्या हुआ यार मेरे जन्म कुछ हो रहा है बाबा के पता नहीं जहाज संदे उतरना भी कहीं पाकिस्तान दा यार चुप कर जा इजी हो के बैठ जा सब ठीक है इजी हो जा सो जा सो जा चल ना बस कर उठ जा बस कर की हो गया बट मैंने यार शाम दिन ने जदों कराची आ गया मैंने फाइनल पहले खाना खा तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी खाना खा हरिया कुछ नहीं होता इजी सीन है कुछ नहीं तो लो जी खाना आ गया खाने में ये हमारे पास मीठा आ गया और ये है हमारे पास मेरा ख्याल है चावल पुलाव और चिकन उसके अलावा ये बारबेक्यू मेरा ख्याल हैदर ये खोलिंग जरा खोलिंग ये है हमारे पास आई थिंक बारबेक्यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपकी फेवरेट कबाब कबाब आ गए टिक्के आ गए रायता आ गया मीठा आ गया चावल और चिकन बंद
मैं बोल रहा यार की होई बहुत स्वादी खाने मेरे को खादा नहीं जा रहा है ओए होए 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 दलील करवाया मुझे लगा था तू दलेर आदमी लेकिन तू तो डर गया यार मर गया तू तो लड़ेगा तो ओनो पता लगेगा मैं दलेर हूं यार तेरे से एक फ्लाइट नहीं लेगी यार तू मरने वाला हो गया था तुम पता मैं तानू आना गाड़ी तेज नहीं चलानी हद हो गई है यार ना मोटरसाइकिल कसम से दिल तो खा दूंगा आज दलेर नहीं है डर होकर जो सब का नाम इसमें ये ना खराब कर ओए ऐसे कह रही गवर्नर साहब का फोन आया मैं सुनना आ जाओ आ जाओ हाथ दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो आ जाओ ध्यान से चलो बट साहब आ जाओ डॉक्टर साहब इधर आओ तुम प्रोटोकॉल भाइए एक गाड़ी पीछे जाए एक ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੁਆਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆਪਕੇ ਲਈ ਔਰ ਮੰਮਾ ਕੇ ਲਈ ਐਸੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਲੈਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਰ ਹਾਂ ਚੱਲ ਆ ਜਾਓ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਬੈਠੋ ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰੋ ਆ ਜਾਓ ਬੈਠੋ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਬੈਠੋ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂ 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 ਓਏ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ चलो जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं जी हम गवर्नर हाउस खैर ऑफिस से अल्हम्दुलिल्लाह क्या कह रहे हो आप अच्छा जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं ये वाला जो सारा कॉटेज है ये मुझे और मेरे दोस्तों को मिल चुका है ये वाला रूम है मेरा और अम्मा का आपको दिखाता हूँ अम्मा कितने गए ने आए अंदर आते ही फल फ्रूट और ये नकली नहीं है खाओ इनको मौज मारो अच्छा ड्राई फ्रूट खा रहे हो हाँ जी क्या कह रहे हो इधर ही मेरे पास है ना दोस्तों का ले दोस्त मेरे अकेले बोर हो जाएंगे सर जी ये अम्मा का और मेरा बेडरूम आ गया अब यहाँ से निकल के मैं आपको दोस्तों का भी कमरा दिखाता हूँ दोस्तों का क्या अमान का शहजी का हैदर का जहांगीर का यहाँ से निकलेंगे ये गाड़ी हमारे पास ही रहेगी हमने अगर कहीं बाहर जाना हो तो लेकिन बाहर जाना कहाँ है हम यहीं पे अच्छा ये आ गया जी टीवी लॉन्च टाइप यहाँ पर बैठो बैठक बूटक करो क्या हाल है भाई ठीक है आप तो ठीक है ये आ गया जी डाइनिंग टेबल इतने बैठे रोटी टुकड़े खाओगे खाना मंगवा लिया ये आ गया कमरा इन सब ने मुझे बताया यहीं पर रह जाना क्या हुआ नींद आ गई है तू क्या कह रहा था अभी क्या कह रहा था पहले जब एंटर हुआ अंदर गवर्नर हाउस में बता क्या बता क्या बट साहब जहाँ हम आ गए हैं यहाँ से बाहर जाना हो तो कैसे जाएंगे तो मेरी बात सुनो यहाँ से कहीं मैंने बाहर तूने कहीं भी जाना है बाहर गाड़ी खड़ी है साथ एक स्क्वाड की गाड़ी खड़ी है जहाँ जाना उसके साथ चला जा मौज मार हाँ जी बोल ले पहले हंस ले फिर बोल ली बोल अगर हमने वैसे हम दोस्तों ने भी कहीं जाना बताया हर जगह स्क्वाड जाएगा भाई जहाँ भी आपने जाना है आप स्क्वाड के साथ ही जाएंगे आप इस तरह नहीं जा सकते क्योंकि आप इस टाइम गवर्नर सिंध की जेर परस्ती में आए हैं आपको कुछ भी हो जाए बिकॉज कराची के हालात यू नो वेरी वेल तो वो जिम्मेदार होंगे इस चीज के अच्छा जी यहाँ से निकलते हो उसके बाद यार खबर कर यार तेरी बात नहीं खत्म होनी एक कमरा एक और मिल जाता है यहाँ पर जो कि हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट है बिकॉज जहाँ मेरे दोस्त वहाँ मैं और हम सब इकट्ठे ही रहेंगे ठीक है अभी मैंने आपको एक और चीज दिखानी है अभी मैं व्लॉग एंड नहीं कर रहा जो आपको एक चीज दिखानी है वो मैं आपको इनके साथ ही दिखाऊंगा खोलो पागल बंद क्यों किया अच्छा मेरी बात सुनो कल जहाँ पर हमारा मीटअप है ना वो जगह देखना चाहोगे देखनी है आ जाओ गाड़ी खड़ी है अच्छा गवर्नर हाउस के अंदर भी फिरना है तो आपको गाड़ी जरूरी है पैदल नहीं बैठ सकते एड्डा वड्डा पूरी एक सोसाइटी जितना गवर्नर हाउस है माशाल्लाह आओ आपको ग्राउंड दिखाता हूँ आपको भी और आपको भी कल जहाँ हमारा मीटअप होना है आ जाओ हरी अब आ जाओ डोकर किसे डोकर बाथरूम ओके जी दोस्तों तो ये है हमारा कल का प्ले ग्राउंड लेकिन उससे पहले क्या हाल है मेरी जान तबीयत ठीक है मेरी बात सुनो वैसे तुम बात करके फंस नहीं गए नहीं यार मैं तो आपसे जितने मुझे कमेंट्स आए ना मुझे ये करना था मैं कह रहा भाई की फैमिली मुझे नहीं छोड़ी भाई जैद ने मेरा पॉडकास्ट किया उसमें जैद ने कह दिया कि भाई अगर मुझे इतने सब्सक्राइबर इतने कमेंट्स आ गए आपकी अटेंडेंस लगवाई आके हाजिरी आपकी फैमिली मेंबर्स ने
तो मैं आपका गवर्नर हाउस के अंदर मीटअप कराऊंगा। मैंने आपको बोला 2 लाख नहीं होगा, फिर भी मैंने सिर्फ राजा फैमिली की 2 लाख तो आपने कहा था, लेकिन ये नहीं आपने कहा था 25-30 हजार सब्सक्राइबर, आपको 40,000 सब्सक्राइबर गए थे। 40,000 सब्सक्राइबर उसको देखा नहीं, बट मैंने आपसे रिक्वेस्ट की 2 लाख तो एटलीस्ट करें। जान मुझे याद है 129K थे और अभी 180K हैं, ठीक है बहुत ज्यादा बढ़ गए। हाँ जी, और कमेंट सेक्शन देखा? कमेंट सेक्शन राजा फैमिली और 2-3 लोग मैं यहाँ पे कहीं परसों मॉल गया हुआ था, ये स्टेज होगी जैद कल हमारी, यहाँ पर स्टेज होगी और जितनी भी लोग आएंगे जब फैमिली आएगी उसके साथ हम लोग उनको जो हम लोग हेल्प कर सकते हैं वो भी करेंगे। और हम लोग यहाँ पे 5 लैपटॉप 5 बाइक भी आपकी फैमिली में, ये मैंने कल वाले व्लॉग में कह दिया, हाँ कल वाले व्लॉग में कह दिया, और ये भी बता दिया कि भाई इसमें आपके टैक्सेस और गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं है। जैद का, हाँ जी जैद का जितना रेवेन्यू है, क्योंकि जैद आपको पता रेगुलर नहीं है यूट्यूब पे, हाँ। बहुत कम, अभी स्कूलिंग चल रही है, अपनी स्टडी चल रही है, लेकिन हमने से कहा है कि यार किया करो, अपडेट रहा करो, ठीक है। उसके अलावा जितना जैद का रेवेन्यू था और जितनी पसली मेरी भार उठाती थी, हमने मिल के 5 लैपटॉप और 5 बाइक्स का अरेंज किया है जो कल आपको मिल जाएंगे। सारा मैंने रेवेन्यू लगा दिया, अभी भी बता, हाँ जी रेवेन्यू का टोटल लगा दिया। वैसे गल कहा तू की कर रहा रेवेन्यू का है कि नहीं। अच्छा जी, ये मेरे भाई हैं सारे, ठीक है। अम्मा जो है वो थक गई हैं, वो लेट रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये स्टेज है, हाँ। और ये वाला कल ग्राउंड होगा जहां पर कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह रजय फैमिली अपना जलवा दिखाएगी। और मेरी बात सुन ले कराची वाले, कि मैं खुदा की कसम फर्स्ट टाइम आया हूँ कराची, मतलब कराची आया हूँ अपने मीटअप के लिए फर्स्ट टाइम। भाई गवर्नर हाउस में आज से पहले किसी यूट्यूबर का मीटअप हुआ? कभी नहीं हुआ, पब्लिक आती रहती है, पब्लिक तो आती रहती है, लेकिन किसी यूट्यूबर का मीटअप हुआ अरेंज? आई लव यू मेरी जान, इज्जत रख लेना उन कराची वाले, ठीक है। बाकी अल्लाह ख्याल करेगा, मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स ने कभी निराश तो नहीं किया, कल देखते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है, और हाँ एक चीज का जो मुझे सुकून है वो ये है कि इस बार बदोबदी वेल ऑर्गेनाइज और वेल मैनर्ड होगा, क्योंकि गवर्नर सिंह साहब की सिक्योरिटी होगी भजन, हमारी सिक्योरिटी तो ऐसी हो नहीं सकती जैसी उन्होंने कर लेनी है। तो यहाँ पर कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, ठीक है बाबा। हाँ और मैं टाइम है इंशाल्लाह, जगह थोड़ी फाड़ देनी है। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, देखो बिस्ती ना हो जाए क्योंकि जगह बहुत ज्यादा है, अल्लाह करे हो जाए कवर। और मैं आपको फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आप लोग 7 बजे यहाँ पर आ जाए, जस्ट आपने गवर्नर हाउस के गेट पे आना है, दरवाजा आपको खुला मिलेगा, चेकिंग वाली मशीन लगी होगी, वहां से गुजरते आना है और यहाँ आपने आ जाना है। यहाँ पर आपको आपका भाई वगैरह सब मिलेंगे, मैं मिलूंगा, जैद मिलेगा, कामरा साहब मिलेंगे, हाँ वो भी आएंगे, गवर्नर साहब भी आएंगे, क्या बात है जी, मैं फैन हूँ उनका जी, जेन्युइन बात है। जैसे मजेदार काम वो करते हैं ना, फिजिकली काम करते हैं, बातों से ज्यादा काम पे ध्यान देते हैं, मैं उनका फैन हूँ, ठीक है। फिर मैं कोशिश करूंगा कि अंदर आ सकूं, अंदर आऊं, आपसे मिलूं, पिक्चर लूं, अम्मा भी होंगी, फिर सारे लफंटर होंगे, ठीक है, इंशाल्लाह विल हैव फन। और हाँ व्लॉग करते हुए आओ, अपना व्लॉग करते हुए आओ, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मजा आएगा जबरदस्त। चलो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ओके जी, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, जगह देखे हैं अम्मा जी, जगह देख के आ गया हूँ मैं, बहुत खुला ग्राउंड है, बस दुआ करो जैसे लाहौर में मेरे मालिक ने इज्जत रखी है, कल यहाँ भी इज्जत रह जाए हमारी। हैदर नहीं बोल रहा मम्मा, हैदर को पता नहीं क्या होगा, कराची पसंद नहीं आया हैदर को, हैदर कराची पसंद नहीं आया, भूख लगी थी। अच्छा जी, बिरयानी आ गई है, उसके अलावा सालन आ गया है और साथ रोटियां आ गई हैं, खाना साना खा लेते हैं, टाइम हो रहा है इस टाइम अल्लाह आपको भला करे 3 बजे का, 3 बज रहे हैं, खाना सा खाकर नींद पूरी करते हैं। कल कराची में हमने एक बंदा वढ़ना है, एक बंदा हमने जेब से जो है ना, जेब से वढ़ देना, हमने जिधर मर्जी वेखला बेटा, जिधर मर्जी वेखला, महंगी तरीन जगह से खाना खाना आपको कल ही पता लगेगा। और क्या आया, आए आए आए, नींद पूरी करेंगे, सुबह उठ के आपसे मुलाकात होगी, आना मत भूलिएगा कराची वालों, आप ही आए संडे शाम 7 बजे एट गवर्नर हाउस होगी मुलाकात आप सबसे इंशाल्लाह गवर्नर हाउस के अंदर। ब्लॉग को फिलहाल यहाँ पर करते हैं, उम्मीद आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कैसा लगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती मुलाकात कल इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।